सबसे पहले आपको अपना कैनवास ट्रैप खोल के उसमें 16:9 वाला साइज़ चूज़ कर लेना है। फिर आपको एडिट के ऑप्शन पे जाना है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, लाइक करें। ये एड आ गई है, इसको हटा देते हैं। अब हमको एक बैकग्राउंड चूज़ करना है। ब्लैक बैकग्राउंड सबसे बेस्ट होता है, इसलिए हम ब्लैक बैकग्राउंड चूज़ करेंगे। जैसा कि अभी मैं कर रहा हूँ, ये इमेज वाले ऑप्शन पे क्लिक करके ब्लैक बैकग्राउंड कर लेना है। अब इसको थोड़ा लॉन्ग करना है, क्योंकि हमारी थोड़ी वीडियो लंबी बननी चाहिए ना, इंट्रो लंबा बनना चाहिए, इसलिए थोड़ा इसको लॉन्ग कर लेते हैं, लगभग 10 तक। अब इसको थोड़ा सही से कर लेते हैं, टाइमलाइन सेट कर लेते हैं, साइज सेट कर लेते हैं। अब इसके बाद हमको एक टेम्पलेट चाहिए। उसके लिए हमको डिस्क्रिप्शन में आपको टेम्पलेट का लिंक मिल जाएगा, मैंने डाल दिया है, आप वहाँ से जाके ले सकते हैं बनाने के लिए, और उसे हम गैलरी से ले लेंगे। जैसे कि अभी मैं ले रहा हूँ, देखिए ये दो है, उसमें से एक तो ये है, पहले इसे ले लेते हैं। इसे पूरी स्क्रीन पे फैला देना है, जैसे कि अभी मैं कर रहा हूँ, ये पूरी स्क्रीन पे आ जाना चाहिए। अब इसके बाद हमें एक और टेम्पलेट लेना है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा इसी के साथ, आप उसको भी गैलरी से लेना है। उसको लगाने के लिए तो हमें इसका साइज़ सेट कर लेना, जैसे अभी मैं कर रहा हूँ। अब इसके बाद हमें दूसरा टेम्पलेट ले लेना है, जिसका लिंक आपको मैंने बता दिया डिस्क्रिप्शन में है, उसे हम गैलरी से लेंगे। उसको शुरुआत में लगाना, जहाँ पे ये लाइन थोड़ी शुरू हो, जैसे ये अभी आने वाला है, जहाँ से ये शुरुआत होती है इस लाइन की, यहाँ पे इसे थोड़ी शुरुआत में लगभग यहाँ से, अब यहीं पे क्लिक करके आपको दूसरा टेम्पलेट लगा लेना है, लेयर पे जाके, और फिर मीडिया सेलेक्ट करके हम ले सकते हैं दूसरा टेम्पलेट। अब दूसरा टेम्पलेट ले लेते हैं, ये वाइट है, ये वाला आपको दिख गया होगा। अब इसे ले लेना है और इसे भी फुल साइज़ कर लेना है, इसे पूरी स्क्रीन पे फैला लेना है, जैसे कि अभी मैं फैला रहा हूँ। आपने अभी तक लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया हो चैनल को, तो सब्सक्राइब कर ले और वीडियो को लाइक कर ले। अब इसके बाद हमें एक, इसको पहले तो देखो, ये वाइट आ रहा है, पहले वाइट वाली लेयर दिख रही है हमको। इसको ठीक करने के लिए हमें पहले फर्स्ट वाली जो टेम्पलेट है उस पर क्लिक करना है। उसके बाद हमें ब्लेंडिंग पे जाना है, ये नीचे करते रहोगे आप तो आपको ब्लेंडिंग मिल जाएगी, ये रहा ऑप्शन, ये रहा। अब इसके ऊपर क्लिक करना है, और ब्लेंडिंग में जाने के बाद आपको स्क्रीन ऑप्शन मिलेगा एक, ये हाँ ये रहा। अब इसको क्लिक कर लेना है और इसको डन कर लेना है। अब इसी तरीके से ये सेकंड हमारा टेम्पलेट है, उसको चुनना है, और इसमें भी पहले ब्लेंडिंग पे जाना है, ब्लेंडिंग चूज़ कर लेना है। फिर उसके बाद ब्लेंडिंग में जाने के बाद हमको अब के बार स्क्रीन नहीं चूज़ करना, हमको मल्टीप्लाई इसको चूज़ कर लेना है, इससे पीछे चला जाएगा जो ये हमारा वाइट वाला है। अब इसको डन कर लेना है। अब इसके बाद हमें अपना जो अब हमारा लोगो है चैनल का, उसको लगाने के लिए पहले इसको देखना, जैसे यहाँ पे लाइन स्टार्ट हो गई है पूरी लाइन। अब इसके बाद हमें अपना लोगो लेना है मीडिया पे जाके ही, तो लोगो मैंने वहाँ पे रख रखा है। हाँ ये लोगो हमारा ये रहा, PB, आप जानते भी होंगे, हमारी वीडियो के स्टार्टिंग में भी आपको दिखा होगा ये लोगो। पहले इसको ले लेना, इसका साइज़ सेट कर लेना कितना आपको चाहिए। तो मैं इसको ज़्यादा नहीं, मीडियम साइज़ रखता हूँ यहाँ तक।
ये सही लग रहा है मेरे को, तो फिर मैं इतना साइज़ रखता हूँ इसका। अभी आपको थोड़ा छोटा लग रहा होगा, लेकिन ये जब फुल स्क्रीन पे दिखता है ये बहुत अच्छा और सही साइज़ का लगता है। अब इसके बाद आपको इसी पे क्लिक करके लोगो पे, और ये थ्री डॉट दिख रही है जो आपको, उस पे जाना है। अब थ्री डॉट पे क्या होएगा ये आपको अभी पता लग जाएगा। ये थ्री डॉट पे गए हम। अब इसके बाद ये डुप्लीकेट ब्रिंग सेंड बैकवर्ड, ये सेंड टू बैक है ना, इसको चूज़ करना है, इससे पीछे चला जाएगा वो, और जब ये खुलेगा जब भी बाहर आएगा। अब इसके बाद हमें ये ऑटो एनिमेटर में जाके इसको कर लेना कि कैसे ऊपर होएगा नीचे होएगा, जैसे अभी आपको करके दिखाता हूँ। ये इधर की साइड स्लाइड कर रहा है, ये राइट साइड स्लाइड कर रहा है, ये ऊपर की साइड स्लाइड कर रहा है, ये नीचे की साइड स्लाइड कर रहा है, और ये घूम रहा है। लेकिन मेरे को ये पसंद नहीं है, ये वाला अच्छा लगता है मेरे को, इसलिए मैंने अपना लोगो ये इसी से ही चुन रखा है, तो हम इसी को ही रखते हैं। आप कुछ भी कर सकते हो, आपकी मर्ज़ी, आप अपना लोगो बनाइए। तो बढ़िया लग रहा है मेरे को ये, तो आपको एक बार ये चला के दिखाता हूँ कैसा बना है हमारा लोगो। तो आपको ये चला के दिखाता हूँ प्ले करके, और आपको बता दूँ इसके साथ साउंड भी आती है। अभी आपको शायद साउंड सुनाई नहीं दे रही होगी, लेकिन शुरुआत में शायद आपको सुनाई दे रही होगी, और ऐसी साउंड आएगी आपकी, और बहुत अमेजिंग होने वाला है ये, और आपको बहुत पसंद आएगा। इसके बाद आपको सेव कर लेना सिंपली, आपको जानते ही होगे काइंड मास्टर चलाया हो या नहीं चलाया, जब भी ऐसा आना बहुत जल्दी हो भी जाता है, कम MB भी फूकती है। तो इसको डाउनलोड कर लेंगे और हमारे वीडियो को लाइक कर दिया अगर अच्छी लगी हो तो।